तुम्हें देखते हुए ये सोच रहा था कि कितना खुशकिस्मत हूं मैं कि मुझे तुम जैसी खूबसूरत साथी का साथ मिला। जी कुछ कहना था आपको? अगर सब कुछ जबान नहीं कह देना है तो आंखों का क्या फायदा? सब लोग एक बात कान खोल के सुन लें, घर का निजाम वैसे ही चलेगा जैसे मैंने बनाया है और कानून में कोई तब्दीली नहीं होगी। देख नूरी, तू तो अच्छी तरह से जानती है जो मैं चाहती हूँ, सोचती हूँ, कहती हूँ वो करके दिखाती हूँ। हाँ, वो नाजी की शादी के मामले में मात खा ली, लेकिन वो भी आरजी तौर पे, देर आए दुरुस्त आए। तू देख, मैं नाजी की शादी आजे से करवा कर आऊंगी। अम्मी, लेकिन ये भाई की शादी शहजीन के साथ, ये मामला काफी मुश्किल है। शहजीन ताया अब्बू की इकलौती बेटी है, काफी चहेती भी है, उन्होंने बहुत कुछ सोच के रखा होगा ना उसके लिए। नूरी, तू तो इस तरह से बात करी है जैसे तेरा भाई कोई ऐवी रोड पे पड़ा है। है? माशाल्लाह, मेरा बेटा भी इकलौता है, जहीन है, पढ़ा लिखा है, अच्छी शक्ल का है, अच्छी जॉब है, और सबसे जरूरी बात यह है कि भाई साहब उससे बड़ा प्यार करते हैं, उन्हीं के तो गोद में खेल कर बड़ा हुआ है। क्या बात कर रही हैं आप ये? हाँ, शहजीन मुझसे बहुत छोटी है, मैं उससे शादी के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ। बिल्कुल ठीक बात कर रही हूँ, पहले नहीं सोचा तो आप सोच। शहजीन जैसी लड़की से जो भी शादी करेगा किस्मत वाला होगा, पर मर्दों में ये उम्र नहीं देखी जाती। हाँ लेकिन अम्मी, लेकिन शेकिन कुछ नहीं, मैंने फैसला कर लिया आमिर, तेरी शादी मैं शहजीन से करवाऊंगी, ये मेरा हुक्म है, समझ आई तुझे? लेकिन देखो, वालेकुम, क्या सोच रही है बैठी हुई? वालेकुम सलाम, मैं कुछ नहीं, बस हानिया के बारे में सोच रही थी। मैंने कहा इतनी इतनी छोटी सी बच्ची है, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे उठाएगी अभी से? तुम खामखा परेशान, मिर्जा इतना जालिम नहीं है कि चार दिन की दुल्हन के ऊपर सारे घर का बोझ डाल देगी। आपके सामने तो उन्होंने चाबियां दी हैं हानिया को और कहा कि अब सारे घर की जिम्मेदारी तुम्हारी है। हाजरा, तुम खामखा वहमों में पड़ रही हो भाई। इस तरह तो उसने हमारी बेटी की इज्जत में इजाफा किया ना, अपने बच्चों के सामने उनको बार बार कराया कि अब इस घर की बड़ी यही है। देखो, ये सब करने के लिए भी बहुत बड़ा दिल चाहिए होता है, कोई अपनी जगह खाली नहीं छोड़ता। लेकिन मुझे अंदेशा ये है कि अगर भाई साहब ने उसे कहा कि तुम खाना बनाओ तो वो कैसे बनाएगी? हैदर से खाना बनाना नहीं आता बिल्कुल, पता तो है आपको। नहीं आता ना, तो आ जाएगा, बल्कि मिर्जा उसे खुद सिखाएगा और आनिया खुशी खुशी सीख भी लेगी, क्योंकि उसे एडवेंचर का शौक तो है ही ना। प्लीज उन्हें थोड़ा वक्त तो दो। चलो मुझे भी चाय पिलवाओ जन्नत से, कहो जन्नत बीबी चाय ले आए साहब के लिए। वालेकुम सलाम। अरे भाई, ये क्या कर रही हो तुम? बस भाई साहब, गोश्त चढ़ा दिए, बस अब सब्जी बना रही हूँ। आपको पालक पसंद है ना? अरे तुमसे किसने कहा था खाना बनाने को? और अगर खाना बनाना होता मैं तो आज इस वक्त तक बना चुका होता। आज मैंने खाना बनाना ही नहीं था क्योंकि फ्रिज में कल का खाना पड़ा हुआ है। नहीं भाई साहब, एक तो तबीयत ठीक नहीं, ऊपर से बासी खाना। नहीं नहीं नहीं, हम बासी खाना खा लेते हैं, हमें कुछ नहीं होता। और अब हमारी बहू आ गई है इस घर में, वो किचन संभाल रही है, तुम्हें तकलीफ करने की जरूरत नहीं है। पल में पराया बनाने की आदत पकड़ ली आपने। तायाबू, मैंने पूरे घर की सफाई भी कर दी है। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। अब ये तुम्हारी माँ ने जो ये सब्जी का गंध फैलाया ना, ये भी साफ कर देना।
गया दिल खुश, करवा ली अपनी और मेरी बेइज्जती। चुप कर जा माओ तेरी, बेहतर जानती हूँ। सबर का फल मीठा होगा। तो आजर क्यों बाहर से चला गया, वो भी अंदर आ जाता ना। मम्मी उनकी मीटिंग थी लेकिन रात में वो मुझे पिक कर लेंगे। भाई रात को अगर वो नहीं भी आया ना तो मैं अपनी बेटी को खुद छोड़ के आ जाऊंगा। अच्छा और वो भाई साहब कैसे हैं, उनका रवैया कैसा है? बाबा बाबा तो बहुत अच्छे हैं, हर चीज इतने प्यार से समझाते हैं मुझे, काफी ख्याल रखते हैं मेरा, बहुत प्यार करते हैं। देखो मैं ना कहता था कि मिर्जा बहुत प्यार करने वाला आदमी है, अपने बच्चों से भी बहुत प्यार करता है और हमारी हानिया को बहुत प्यार से रखेगा। बस अल्लाह करे दिलों में ये मोहब्बतें हमेशा कायम रहे। आमीन आमीन। ये लो जूस। थैंक यू। कितने खुश हैं ना मामी बाबा, मैं इन्हें अभी कुछ नहीं बताऊंगी, बिलावजह परेशान हो जाएंगे। मैं जरा हमाद को देखूं, बुला के लाऊं, बहन से मिले तो सही ना। नहीं मामी मैं जाके देखती हूँ, वैसे भाई हैं कहाँ? रूम में होगा अपने। चले मैं देखती हूँ। अब तो तुम्हारे खदशा दूर हो गए, बच्ची अपने घर में खुश है। हाँ शुक्र है अल्लाह का कि हमारी बेटी खुश है। हानिया क्या कर रही? फोन दो मेरा। फोन तो नहीं। हानिया मेरा फोन दो वापस। भाई आपको शहजीन अच्छी लगती है? वो क्या अजीब सवाल कर रही हो तुम? जो पूछा उसका जवाब दे। क्या शहजीन जानती है आप उसे पसंद करते हैं? लिसन पहले तुम मुझे बताओ कब आई हो, आजर आया सा? बात चेंज करने की कोशिश ना करें, जो पूछा है वो बताए। कुछ नहीं बता रहा, ऐसा कुछ भी नहीं। अच्छा तो फिर मैं शहजीन से खुद पूछ लेती हूं। रुको हानिया, हानिया हानिया मेरे फोन दो यार। तुमने मेरी जगह कब्जा किया है ना, ज्यादा दिन तक तुम रह नहीं पाओगी इस जगह पर, क्योंकि ये जगह तो मेरी है, सिर्फ मेरी। और मेरी जगह कोई और कैसे ले सकता है? कभी नहीं, आजर सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मैं क्या, वो मैं कि तुम क्यों बगैर इजाजत मेरे कमरे में आ रही हो, अच्छी बात नहीं होती है। I'm sorry, तुम्हें बुरा लगा होगा। वो क्या है ना, ताया बू गर्मी से आए थे और आते ही घर के कामों में लग गए। मैंने उन्हें जबरदस्ती मना किया कि आप आराम करें, मैं सारे काम कर लूंगी। और फिर हानिया वो भी तो आ रही है ना, तो ताबू ने कहा कि देख लो कमरा, किसी चीज की जरूरत ना। I'm really sorry, मुझे नहीं मालूम था ये। सॉरी मत कहा करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। थैंक यू, वैसे तुमने कमरे की बहुत अच्छी सफाई की है, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। हाँ तुम आज जल्दी आ गए? हाँ यार मुझे वो हानिया को पिक करने जाना है ना उसके घर से। हाँ वैसे हानिया बहुत अच्छी लड़की है, तुम दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हो। मेरा दिल बहुत बड़ा जो तुम उसकी तारीफ कर रही हो, बहुत अच्छा लगा मुझे। चाय? चाय पियोगे? मैं चाय बना के लेकर आती हूँ तुम्हारे लिए। नहीं मुझे देर हो रही है, मैं चाय वहीं जाकर पीऊंगा। थैंक यू, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।
तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है जो तुम उसकी तारीफ कर रही हो। बहुत अच्छा लगा मुझे। राजी, तुम यहां क्या कर रही हो आजर के कमरे में? मैं वो सफाई करने के लिए आई हूँ। आजर ने कहा था कि मेरे कमरे की तुम सफाई कर दो, मैं वो ही करने के लिए आई तैबू। रूबीना ने अपनी बच्चियों को कोई तमीज नहीं सिखाई। चलो जाओ यहां से, जाओ। वैसे शहजीन है तो बहुत है, ताया जी इस रिश्ते के लिए हाँ करने ना। हाँ, पाउडर सही नहीं डला हुआ। मतलब भैया लीजिए चाय। थैंक यू। आपकी। थैंक यू। और ये हो गई मेरी। मेरी कहाँ? मेरी चाय। मेरी? हाँ मेरी चाय। खुद बना लो। भाई देखा आपने, इसने आज मेरे लिए चाय नहीं बनाई। मैं देख रहा हूँ इसने तुम्हारी चाय क्यों नहीं बनाई। क्यों नहीं बनाई? ये दो इधर। अरे दो। ओ गरम। ध्यान से। थैंक यू भाई जान। नहीं नहीं नहीं। हाँ भाई किसकी बारी है, चले ना। अरे भाई ये क्या सारा घर सर पर उठाया हुआ है सुबह सुबह, क्या हो रहा है? बाबा आप जानते हैं भाभी कितनी बड़ी चैंपियन है इस गेम की, पता है हम लोग को दो बार बीट कर चुकी है। अरे आजर तुम ऑफिस नहीं गए? बाबा आज मैंने छुट्टी कर ली थी क्योंकि मैंने सोचा हानिया को शॉपिंग पर ले जाऊं। शॉपिंग पे क्यों भाई? अभी शादी में इतनी ज्यादा शॉपिंग की है, हर चीज ली है, अब क्या जरूरत है शॉपिंग की? बाबा वो सारे ड्रेसेस रेशमी और भारी है ना, वो कैजुअल ड्रेसेस तो है नहीं हानिया के पास, तो वो दिलवाने। अच्छा ठीक है हानिया, बेटा कल वो मैं खीर वाली रसम कर रहा हूँ तो तुम मेन्यू बना लो, और हाँ कढ़ाई गोश्त और शामी कबाब जरूर बनेंगे खीर के साथ साथ, ठीक है? जी जी बाबा। और सुनो मेरे ख्याल से सब मिला के तुम्हारे घर वाले नासिर के घर वाले मिला के कोई 10-12 लोग होंगे, तो बना लोगी खाना ना सबका? बाबा वो मैं। अरे अरे जानता हूँ, कभी तुमने एक साथ इतने अफराद का खाना नहीं बनाया होगा, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा डोंट वरी, और पूरे घर को साफ करना होगा। हाँ भाई मेहमान आएंगे तो सफाई तो होनी चाहिए ना। मुझे तो दो अफराद का खाना बनाना नहीं आता, तो मैं 10-12 लोगों का खाना कैसे बनाऊंगी? ऊपर से घर की सफाई, इतना ढेर सारा काम। आनिया क्या सोच रही हो? बाबा हो सकता है कि भाभी इतने सारे मेहमानों के सुन के घबरा गई हो। जी नहीं, आनिया किसी से नहीं घबराती, एक दफा जो ठान लेती है वो करती है। अच्छा ठीक है मैं जरा एक काम से बाहर जा रहा हूँ, देख लेना भाई ये सब उठा देना, यहाँ पे कोई कचरा नहीं होना चाहिए जब मैं। बेफिक्र हो जाइए बाबा। आप लोग इधर उधर देखिए मेरा ये हो जाए। मम्मी फोन क्यों नहीं उठा रही? सारे काम मैं कैसे करूंगी? वो
फोन उठाएं तो पूछूं। अरे तुम तैयार नहीं हुई अब तक, शॉपिंग पे नहीं जाना क्या? वो आज सर आज शॉपिंग रहने दें, बहुत काम है। अच्छा ज्यादा काम है तो फिर रहने दो, रिलैक्स होकर शॉपिंग नहीं कर सकोगी। मुझे भी एक जरूरी काम है, फिर मैं वो कर आता हूँ, शाम में आइसक्रीम वगैरह खाने चलेंगे। चल खुदा हाफिज़। शॉपिंग पे क्यों भाई, अभी शादी में इतनी ज्यादा शॉपिंग की है, हर चीज ली है, अब क्या जरूरत है शॉपिंग की? अरे हानिया की कॉल, क्या हो क्या? मम्मी आपने मुझे कुकिंग क्यों नहीं सिखाई? और अगर नहीं सिखाई थी तो फिर मेरी शादी इतनी जल्दी क्यों की? कैसी बातें कर रही हो तुम, आखिर हुआ क्या है, क्यों इतनी परेशान हो? कोई मसला ही नहीं है। अरे एक काम करते ना, कबाब मैं बना लूंगी, ठीक है, बना के फ्रीज कर दूंगी और तुम्हें भिजवा दूंगी। खीर और चिकन ये तो कोई मुश्किल चीज़ें ही नहीं है। तुम एक काम करना, तुम ये खुद बना लेना, मुझे कॉल करना, मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बताऊंगी। ओके ठीक है। परेशान नहीं होते इतना, मैं हूं ना, तुम्हारे सारे मसले हल कर दूंगी। ओके ओके लाफ। सारा किचन सत्यानाश गंदा पड़ा हुआ है। अरे ये क्या हालत की हुई है घर की? हानिया हानिया कहाँ है सब लोग? बाबा ये बेटा ये क्या हाल हुआ हुआ है, ये क्या तूफान है, बदतमीजी है, किचन का हाल देखो पूरा बिखरा पड़ा है, हानिया कहाँ है? बाबा आप बिल्कुल परेशान मत हो, मैं कर दूंगी 5 मिनट में सब कुछ साफ। नहीं तुम नहीं करोगी, रखो इसे रखो, ये हानिया का करने का काम है, अब मैं खुद करूंगा, जाओ तुम आराम करो जाओ। शुक्र है भाई आप आ गए। मम्मी कैसी हैं? वो ठीक है, तुम्हें सलाम कह रही थी। और बाबा? बाबा भी ठीक है। ओए सुनो इसको फ्रीज करना है, जाके फ्रीज करो फौरन। हाँ मैं फ्रीज करती हूँ। आपने नाश्ता कर लिया? हाँ नाश्ता करके ऑफिस जा रहा हूँ। लेकिन चाय तो पी के जाए ना। चलो पी लेते हैं। चलें आप लाउंज में बैठे, मैं इसको फ्रीज करके आती हूँ। यहाँ ये ड्रामेबाजी चल रही है। अब देखो तुम, मैं तुम्हें सबके सामने कैसे जलील करवाती हूँ। अगर एग्जाम्स अच्छे हुए हैं तो फिर रिजल्ट की क्या टेंशन है? लेकिन हमारे यहाँ का सिस्टम तो आप जानते हैं ना, फिकर करनी पड़ती है। ये भी है, लेकिन कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आई थिंक रिजल्ट उतना मैटर नहीं करता, स्किल ज़्यादा मैटर करता है। अच्छा हम ये क्या फजूल बातें लेके बैठ गए?
तुम ये बताओ कि एग्जाम्स के बाद आगे का क्या प्लान है? सोच रही हूँ मास्टर्स में एडमिशन ले लूँ। वैसे मुझे नहीं लगता कि तुम एडमिशन ले पाओगी। क्यों? क्योंकि तुम्हारा एडमिशन कहीं और होने वाला है। क्या मतलब? भाई किसी के दिल की दुनिया सुनी है, लोगी वहां एडमिशन। ये लीजिए पानी। थैंक यू। क्या बात हो रही थी? नहीं, मैं शहजीन से कह रहा था कि ये मास्टर्स में एडमिशन नहीं ले पाएगी क्योंकि इसका एडमिशन कहीं और होने वाला है। भाभी मुझे काम था, मैं अभी आती हूँ। हाँ क्यों तंग करते आप बेचारे को? बस अब जल्दी से मम्मी पापा को भेजें और रिश्ता तय करें। इस बात पर चाय बना रही हूँ आप। ऑफिस जा रहा हूँ। क्यों? चाय तो पी के जाएं। देर हो रही है। मिलते हैं ना परसों डिनर पे। ओके टेक केयर। हैव अ गुड डे। बाय। क्या तो इसका मतलब है कि हानिया को वाकई कबाब बनाने नहीं आते और अपनी माँ के बने हुए कबाब को जाहिर करेगी कि उसके अपने वो भाई साहब को पेश करेगी। कबाब बनाना तो बहुत दूर की बात है, उसे तो खाना तक बनाना नहीं आता। लगती शक्ल से फोड़ लगती है, कोई घरदारी नहीं आती उसको। हाँ तो फिर ये दावत का खाना कैसे बनाएगी? वही तो मैं देखना चाह रही हूँ। अरे फिर तो ये अच्छा मौका है ना, क्यों ना उसका हाथ पकड़ कर ताई अबू के सामने पेश कर दिया जाए। इस वक्त हमने खामोश रहना है और उसके सारे ऐप पे पर्दा डालना है ताकि वो भी हमारी मुट्ठी में आ जाए। लेकिन हम क्यों पर्दा डालें? तुम अपने जहन पे जोर मत डाल, जो कह रही हूँ वो कर, समझ आई? जनाब आप तो अभी से थक गई, कल बहुत काम है, पूरी दावत का खाना बनाना है। ये बात तो परेशान कर रही है। क्या मतलब? ये बात क्यों परेशान कर रही है? हाजिर मुझे खाना बनाना नहीं आता। क्या तुम्हें खाना बनाना नहीं आता, ये कैसे हो सकता है? क्या मतलब? मतलब ये है कि बाबा तो हमेशा मुझसे ही कहते थे कि मेरे लिए वो एक बहुत ही वेल एजुकेटेड और सुगुड़ लड़की लेकर आएंगे जिसे घर के सारे काम काज आते हो, खास तौर पे खाना बनाना। और तुम्हें खाना ही नहीं बनाना आता? हाँ सर, मुझे वाकई खाना बनाना नहीं आता। तुम कहना चाह रही हो कि कल जो दावत है तुम्हें खाना बनाना ही नहीं आता? हाँ सर। आई एम सो सॉरी, तुम परेशान मत हो, मैं इसका कोई हल निकालता हूँ। मैं बाबा से बात, मैं उन्हें समझा दूंगा कि तुम्हें की प्यारी बहू को खाना नहीं बनाना आता, तो वो तुम्हारी हेल्प कर देंगे। जाहिर है अब दावत है तो चाय बनानी आती तो क्योंकि मुझे इस वक्त एक कप चाय चाहिए थी। ओके। हाँ पहले पानी उबालते हैं, पत्ती डालते हैं, दूध आती है। ठीक है। ऐसा खाना बाबा तो बहुत डांटेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम सलाम भाई, सुबह सुबह खैरियत? इतनी बड़ी दावत जो हो रही है तो मैंने सोचा मैं हाथ बटा लूं, लेकिन मुझे लग रहा है कि हानिया अभी तक उठी नहीं है। नहीं नहीं, हानिया तो सुबह सवेरे उठ जाती है। देखो किचन में से बर्तनों की आवाज आ रही है, वो किचन में है। ताई अबू चाय बन गई है, ले आऊं? तुम किचन में क्या कर रही थी? सिंक में इतने सारे बर्तन थे वो सब धो दिए, किचन भी साफ कर दिया और चाय भी बन गई है। और हानिया का? हानिया तो सो रही है ना, अभी तक उठी नहीं। हा? रात देर तक दावत की तैयारी जो कर रही होगी, इसलिए शायद बेचारी अभी तक सोई भी है। अरे कुछ भी हो लेकिन जिम्मेदारी तो हानिया की है, तुम लोगों की तो नहीं है। अरे छोड़े भाई साहब, हम कौन से गैर है, इसी घर के फर्द है, वो करे हम करे एक ही बात है। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई और दूसरा मेरे घर के काम काज करे। मैंने शुरू से आपको अपना बड़ा भाई माना है, लेकिन न जाने क्यों आप पल में ना गैर कर देते हैं भाई साहब। अच्छा अच्छा ठीक है, मुझे अखबार पढ़ने तो जाओ। चाय लाओ भाई साहब। जी। मम्मी
मम्मी मैं दही ले आई हूँ, पूरा डालना ही आधा? पक्का मैं पूरा डाल दूँ? ठीक है। इसे खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। अब अच्छा 10 मिनट सही, ठीक है। खीर भी वैसे तैयार ही है ऑलमोस्ट। चलें फिर मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। जी हाँ, कुछ भी पूछना होगा तो मैं आपको कॉल करूँ। ओके थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अगर ये काम छोटी छुरी से करोगी तो शायद जल्दी हो जाएगा। मैं तुम्हारी हेल्प करूं? नहीं नहीं बस सब हो ही गया, सालन भी तैयार है और खीर भी बनने वाली है। लेकिन किचन तुम्हारा अभी भी बिखरा हुआ है, और अगर ताया भी देख लेंगे तो बहुत खफा हो जाएंगे। हाँ ये तो तुम ठीक कह रही हो, तो इतना थक गई हूँ सुबह से, लेकिन मैं अभी साफ कर लूंगी सब कुछ। तो तुम एक काम करो, ये मैं कर लूंगी। नहीं नहीं नाजी, पापा को अच्छा नहीं लगेगा कि मैंने अपना काम पूरा नहीं किया। उन्हें बताएगा कौन, तुम या मैं? सफाई किसने की है किसी को क्या पता चलेगा। देखो तुम जाकर आराम करो, फ्रेश हो जाओ, मैं फटाफट सब कर दूंगी। पक्का? हाँ हाँ पक्का, चलो जाओ। बस मैं ये डाल दूँ उसके अंदर। अच्छा लाजी ये सालन बस 5 मिनट बाद उतार लेना याद से। हाँ ठीक है। चलो सुनो, कम से कम इसे तो उतारती जाओ। थैंक यू सो मच नाजी, बहुत अच्छे हो। कृपया इसको अब तुम पहनो। हाँ ठीक है, थैंक यू। अरे ये क्या हशर किया हुआ किचन का इसने। हानिया हानिया हानिया! जी बाबा। अरे जी बाबा, ये क्या हाल किया हुआ किचन का तुमने, हैं? मुझे नहीं देखा किस तरह से सफाई के साथ मैं काम करता हूँ, और तुम्हें जरा सा सलीका नहीं है, तमीज नहीं है तुम्हें? मैं अभी साफ कर देती हूँ बाबा। अब क्या साफ कर देती हो, पहले क्यों नहीं किया साफ, तबाह कर दिया पूरा किचन। साफ कर देती हो, साफ करके रखना चाहिए था ना। तायबू आप इस बेचारी को क्यों डांट रहे हैं, इसका कोई कसूर नहीं है। बस बस, तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है इस मामले से। ताल्लुक है, क्योंकि मैंने इसे अंदर भेजा था आराम करने के लिए, और फिर मैंने कहा मैं साफ कर देती हूँ। तायबू बेचारी सुबह से काम कर रही थी, सुबह से थक गई थी, इसीलिए मैंने जबरदस्ती इसे कमरे में भेजा कि तुम जाके आराम करो। तुम्हें क्या जरूरत थी भाई, इसका काम था ये खुद करेगी। तायबू ये नहीं है इस घर के अंदर, अगर हम इसका ख्याल नहीं रखेंगे, हम इसे तौर तरीके नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा। ठीक है मुझे मत बताओ, जल्दी से साफ करो ये कबाड़ खाना, तमीज नहीं है जरा सी भी। थैंक यू नासिर, मुझे आज बचा लिया। अरे कोई बात नहीं आनी, हम तुम्हारे अपने हैं, अगर मैं तुम्हें सपोर्ट नहीं करूंगी तो कौन करेगा। चलो मैं जल्दी से ये सब साफ कर लेती हूँ। हाँ आमिर भाई, आप यहाँ बैठे, वहाँ खाना लग चुका है, सब आपका वेट करें, चलें। क्या बोला तुमने? भूख नहीं है मुझे। क्या? ऐसे कैसे भूख नहीं है? जानते हैं भाभी ने कितने मजे का खाना बनाया है। अब चलें ना, मुझे बहुत भूख लगी है, चलें। एटलीस्ट खीर ही खा लीजिएगा। तुम जाओ, मुझे नहीं खाना। अच्छा मैं भी देखती हूँ कैसे नहीं चलते। चलें उठे, मैं आपको जबरदस्ती लेके चलूंगी, चलें। शहजीन को मेरी कितनी फिक्र है, महफिल से उठ के मुझे बुलाने आ गई।
यकीनन कुछ तो है। चलें। बहुत जिद्दी हो तुम। वो तो मैं हूँ और कुछ आप लोग ने मेरी आदतें खराब की, मेरी हर जिद मान मान के। हो गया, अब चलें। चल शहजी। मुझे तुमसे एक बात करनी है। सारी बातें बाद में कर लेंगे, अभी मुझे बहुत भूख लगी है। चलें। अच्छा भाभी, हैदर को बहुत मिस कर रहा हूँ। भाभी वैसे कमाल कर दिया आपने, क्या खाना बनाया, स्पेशली कबाब, देखें कितनी जल्दी खत्म हो गए। बाय द वे, कोई आप जैसी आपकी दोस्त हो तो उस गरीब को याद रखिएगा। बहुत जल्दी है तुम्हें। वैसे भाभी आपको इतना अच्छा खाना बनाना आता है, हाँ मैं यहाँ परेशान हो रही थी। वो असल में इससे पहले कभी इतने लोगों के लिए बनाया नहीं ना। कमाल बात है भाभी, कभी आपने इतने लोगों के लिए खाना नहीं बनाया फिर भी इतना अच्छा बना लिया, क्या राज है जरा मुझे भी तो बताएं। वैसे भी तो आप बनाने में माहिर है ना, चाहे फिर वो खाना हो या फिर लोगों को अपना बनाने का फन। इससे तो मैं उगलवा कर ही रहूंगी कि कबाब इसने नहीं बनाए। वाह मजा आ गया, कबाब तो बहुत ही अच्छे बने बेटा। इसकी रेसिपी क्या है, कौन से खास मसाले डाले? भाई रुबीना तुम भी बाज नहीं आती ना। भाई हानिया क्यों बताए अपने कबाबों की रेसिपी तुम्हें, क्या तुम्हें कबाब बनाने नहीं आते? नहीं नहीं भाई साहब, मुझे तो आते हैं, मैं तो इसलिए पूछी थी क्योंकि इस बच्ची के हाथ का जायका अलग है इसलिए। रुबीना हानिया ने कबाब सब लोगों को खिलाने के लिए बनाया है, तुम्हें सिखाने के लिए नहीं बनाए। और एक बात और याद रखना, हर इंसान के हाथ का जायका मुख्तलिफ होता है। खामोशी से खाना खाओ। अभी है ना? जी 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 मैं ले मुझे नहीं पता कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो, मैं तुम्हें कैसा लगता हूँ ये मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मेरे दिल में जो था मैंने सब सच सच तुम्हारे सामने रख दिया। कुछ तो बोलो। हाँ समझू क्या ये जो तुम्हारी आंखें इस वक्त कह रही? अंदर चले आप। चलो मैं आ रहा हूं। हाँ यार बस आज एक डिनर रखा हुआ था, तुम बहुत बुरे इंसान हो, आ जाते इतना मजा आता।
राइट वेट वेल अच्छा लिसन चल मैं कल बात करता हूँ ओके बाय कॉफी थैंक यू सॉरी इट्स ओके आई एम सो सॉरी इट्स ओके कैसे क्या देख रहे हैं आप तुम्हारे अंदर की हानिया को देखने की कोशिश कर रहा हूँ मेरे अंदर की मेरे अंदर भी कोई हानिया है क्या ऑफ कोर्स है देखो दिखने में वैसे तुम कितनी इरेस्पॉन्सिबल लगती लावाली सी किसी चीज की परवाह ना करने वाली लेकिन आज तो तुमने इतनी जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया कि आई एम इंप्रेस्ड ऐसा क्या कर दिया मैंने आज अरे इतना अच्छा खाना बनाया और वो भी इतना सारा कसम से मेरा तो पेट भर गया था लेकिन नियत नहीं भर रही थी इट वाज अमेजिंग आप कहीं मजाक तो नहीं बना रहे मेरा अरे अरे मेरी क्या मजाल मैं अपनी इतनी हसीन बीवी का मजाक उड़ाऊं मरना है क्या मुझे सच बहुत अच्छा खाना बनाया था थैंक यू यू वेलकम मुझे अब कुकिंग सीखनी ही होगी ताकि आसर को अच्छे अच्छे खाने बना के खिला सकूं